भारत तमाम धर्मों और भाषाओं का विशाल देश है। यहाँ अंधविश्वास इस कदर पनपता रहता है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। जादू, टोने, टोटके, भूत प्रेत से लेकर मंदिर मस्जिद तक में लोग अंधविश्वासी होते जा रहे हैं। आखिर हम भूल कहाँ कर रहे हैं? क्या इसे भारत में ज्ञान का अभाव कहा जा सकता है? आइए आज हम आपको अंधविश्वास से जुड़ी काफी सारी अहम बातें बताने जा रहे हैं। आपको बता दें, हमारे भारत में अंधविश्वास से जुड़ी बातों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। आज के समय में भी लोग अंधविश्वासों को मानने में पीछे नहीं हैं। लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अंधविश्वास से जुड़ी वो हर चीज़ों को मानते हैं जिसमें वो अपना फायदा देखते हैं। उन्हें शुभ अशुभ मानते हुए उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क छुपे हुए हैं? वैसे ये भारत देश में ही नहीं बल्कि अमूमन हर देश में ऐसे दिखने को मिल जाता है। आइए जानें उन सभी बातों को जिसे आप अंधविश्वास मान उसे शुभ अशुभ का नाम देते हैं। पहला, शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना। इसका अंधविश्वास ये है कि शव यात्रा से लौटने के बाद लोग इसे अशुभ मानकर नहाते हैं और लॉजिक इसके पीछे ये है। वैसे तो हिंदू धर्म में बताया जाता है कि शमशान में जाना अशुभ है, लेकिन मृत शरीर को शमशान में ही दफनाया जाता है। लेकिन क्या इसकी खास बात एक ये भी है कि किसी भी व्यक्ति के मरने के दौरान मृत शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उसके संपर्क में आने के बाद वो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, जिससे बचने के लिए स्नान करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जबकि इसका वैज्ञानिक कारण बैक्टीरिया से बचने के लिए बताया जाता है। शमशान से आने के बाद स्नान करने से सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। दूसरा, नदी में सिक्के फेंकना शुभ माना जाता है। इसका अंधविश्वास है भाग्य मजबूत होना और इसके पीछे लॉजिक है कि आज भी लोग पानी में सिक्का डालकर अपनी मनोकामना पूरी होने का दावा करते हैं, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण कुछ और ही होता है। बताया जाता है पुराने समय के सिक्के तांबे से मिलकर बने होते थे जो पानी के अंदर के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते थे और हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं। नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए लोग नदी में सिक्के फेंकते थे, लेकिन ये आज तक बस एक अंधविश्वास बना हुआ है। तीसरा, कहीं जाने से पहले दही का सेवन। इसके पीछे अंधविश्वास है भाग्य का साथ देना और इसके पीछे लॉजिक है कि आज भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो दही का सेवन करके निकलते हैं। दही का सेवन करके जाने को आज भी शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे छिपे तथ्य ये बताते हैं कि पुराने समय में लोग ज़्यादातर एक स्थान से दूसरे स्थान पैदल चलकर ही जाया करते थे और जाने से पहले दही का सेवन करने से उनके शरीर में ताजगी के साथ ठंडक काफ़ी समय तक बनी रहती थी। उसके साथ ही दही में शक्कर डालकर पीने से ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। जबकि दही का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छा माना जाता है, लेकिन ये केवल आज तक एक अंधविश्वास बना हुआ है। चौथा, मंगलवार और गुरुवार को बाल न धोना। इसके पीछे अंधविश्वास है बुरे वक्त का आना। इसके पीछे लॉजिक है टेक्नोलॉजी के बढ़ते युग में हम कहीं ना कहीं काफी पिछड़ते जा रहे हैं। आज भी हम पुरानी प्रथा और परंपराओं के चक्कर में कहीं पिछड़ से गए हैं। आपको बता दें, पहले के समय में संसाधनों के अभाव के चक्कर में लोग पानी को भरने के लिए दूर दराज तक जाया करते थे। घर से काफी दूर नदी, तालाब या कुएं हुआ करते थे, जिससे पानी लाने में काफी परेशानी हुआ करती थी। तभी से लोगों ने पानी की बचत के लिए ये लोग 1 से 2 दिन ना तो बाल धोते थे, कपड़ों को भी कई कई दिन बाद धोया जाता था। तभी से चली आ रही इस मजबूरी को लोगों ने अंधविश्वास से जोड़ दिया। आज भी हफ्ते के कई दिन कपड़े धुलना अशुभ माना जाता है। पांचवा, मिर्च के साथ नींबू को लटकाना। इसके पीछे अंधविश्वास है बाहरी नजरों से बचाना। इसके पीछे लॉजिक है कि आज हम कोई भी व्यापार करते हैं या नया घर या कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो नजर से बचने के लिए नींबू और हरी मिर्च लगा लेते हैं, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि नींबू और मिर्च में साइट्रिक एसिड की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो बाहरी बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। और उसी से बचने के लिए और अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए लोग अपने घरों के बाहर नींबू के साथ मिर्च को बांधकर लटकाते थे, जिसे आज भारत जैसे अंधविश्वास देश में नजर से बचने वाला यंत्र माना जाने लगा है। छठवा, मंदिर में घंटे का बजाना। इसके पीछे अंधविश्वास ये है कि भगवान को खुश करना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अक्सर अपने मंदिर में लगे घंटे की आवाज तो सुनी ही होगी। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है तो घंटा बजाता है, जिसे वो उसमें भगवान के खुश होने का दावा करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, घंटे को बजाने से उसके वाइब्रेशन से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, चारों ओर का वातावरण साफ रहता है, इसलिए हर घरों में घंटे और शंख का प्रयोग किया जाता है। घंटे की आवाज से आदमी के दिमाग को शांति मिलती है और वो सुकून भी महसूस करता है, जबकि इसको आज तक लोगों ने अंधविश्वास से जोड़ रखा है। भारत में अंधविश्वास एक व्यापक सामाजिक समस्या माना जाता है और लोग ये कहते हैं कि अंधविश्वासों का कारण शिक्षा की कमी है, लेकिन भारत में शिक्षित लोगों को भी अंधविश्वासी माना जा सकता है। अंधविश्वासों के विश्वासों और प्रथाओं के कई प्रकार हैं और भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने अलग अलग अंधविश्वासों प्रचलित हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा समाज धार्मिक ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास की बेड़ियों में लोभी और गुमराह मुल्लाओं, पंडितों, भगवानों द्वारा जकड़ा हुआ समाज है। अधिकतर तो जाहिल लोग ही इनका शिकार होते हैं, लेकिन अपने धर्म और आस्था के नाम पर बड़े बड़े पढ़े लिखों को इसका शिकार होते हुए देखा होगा। हम आपको बता दें कि चमत्कारी बाबाओं और भगवानों द्वारा महिलाओं के शोषण की बातें हमेशा से प्रकाश में आती रही हैं और धन तो इनके पास दान का इतना आता है जिसे ये खुद भी नहीं गिन सकते हैं। इसके दोषी केवल ये बाबा, मुल्ला या भगवान नहीं, बल्कि हमारा ये भटका हुआ समाज है, जो किरदार की जगह चमत्कारों से भगवान को पहचानने की गलती करता है। शायद हम आज यही नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा अल्लाह, भगवान या ईश्वर कौन है। हर वो ताकत जिससे हम डर जाएं या हर वो चमत्कार जो हमारी समझ में ना आए, उसे भगवान या खुदा बना लेने की गलती ही हमें गुमराह कर देती है। कल का चमत्कार हकीकत में आज का विज्ञान है। ये बात हर पढ़े लिखे को समझनी चाहिए। ये बात साफ है कि ये सारे ढोंग, पाखंड धर्म का हिस्सा नहीं है और इन पर विश्वास अंधविश्वास है। आप कह सकते हैं कि जिस बात का कोई संबंध धर्म से ना हो, उसी को ढोंग और पाखंड कहते हैं और अपने फायदे के लिए धर्म की आड़ में बनाए कानून को कुरीति कहते हैं। धर्म के भटकाव, सामाजिक कुरीतियों को और ढोंगी, पाखंडियों पर अंधविश्वास को जन्म देता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।